मंदिरों की नगरी में महाशिवरात्रि पर मनासा में बाबा सोमनाथ महादेव बैलगाड़ी के रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। बाबा के नगर भ्रमण के दौरान भक्त दर्शन पाने को आतुर दिखे। शहर के नृसिंह माता मंदिर के पास स्थित बाबा सोमनाथ महादेव की दोपहर बाद शाही सवारी निकली। शाही सवारी में बाबा को दूल्हे की तरह आकर्षक श्रृंगार किया गया। बैलगाड़ी के रथ में सवार बाबा के रथ को भक्त स्वयं खींच रहे थे। बैंड बाजों एवं ढोल के थाप पर युवा डांडिया खेल रहे थे, साथ ही भोले की फौज नृत्य करते हुए चल रही थी। शाही सवारी नगर के नृसिंह माता मंदिर, बद्री विशाल मंदिर, चोपरगट्टा, सदर बाजार, विजय स्तंभ, जूना साथ कार्नर, उषागंज होते हुए वापस सोमनाथ मंदिर पर आकर संपन्न हुई। मंदिर पर बाबा की महाआरती कर महाप्रसादी बांटी गई। शाही सवारी का जगह जगह विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों ने स्वप्नहार, शीतल पेय पदार्थ सहित पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। वहीं नगर के सब्जी मंडी स्थित मनसापूर्ण महादेव मंदिर पर विशेष हवन पूजन कर बाबा मनसापूर्ण महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा, जिसमें शासन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था संभाली। मनासा के काशी मोहल्ला स्थित शमशान घाट में विभिन्न झांकियां सजाई गई, जिन्हें देखने के लिए शहर उमड़ पड़ा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विगत दो वर्षों से महामारी के कारण बाबा सोमनाथ महादेव की सवारी नहीं निकाल सकी, पर अभी अभी कुछ दिनों से बाबा सोमनाथ की, महादेव की ऐसी कृपा हुई कि ये महामारी धीरे धीरे कम होती गई और सरकार के द्वारा भी कुछ पाबंदियाँ हटाई गई और मंदिर की नगरी मनासा में भव्य भारी सवारी मनासा में सोमनाथ महादेव की रामपुरा नाके से भद्रीशाल मंदिर होती हुई, विजय स्तंभ होती हुई मनसापूर्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीते दो सालों में कोरोना महामारी के कारण हम चल समारोह शाही सवारी नहीं निकाल पाए। इस बार हमें सरकार ने आज्ञा दी, इसके द्वारा हम शाही सवारी भगवान सोमनाथ महादेव की निकली है और प्रशासन का भी काफ़ी अच्छा सहयोग हमें मिला है। हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री दिनेशी मंत्री गोपाल जी सेन और भी है हमारे कार्यकर्ता जो मिलकर हम ये कार्यक्रम 11 सालों में हो गया है। इसके पश्चात शाही सवारी सोमनाथ महादेव रामपुरा रोड से शुरू हुई है, सदर बाजार, विजय स्तंभ और जूना साथ में होकर हम वापसी मंदिर की ओर जाएंगे। वहाँ पर भव्य आरती होगी, इसके पश्चात प्रसाद वितरण होगा और कार्यकर्ता और प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। राठौर, ये दिनेश जी।